पूरे कोरोना के काल के बाद एक भ्रम की स्थिति यहां पर तैयार की गई ताकि विकास ना हो पाए, लोगों की जरूरतें पूरी ना हो पाए। उसमें राजभवन भी शामिल हुआ। बिना आशय के छत्तीसगढ़ में जाकर माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि झारखंड में एटम बम फूट सकता है, इसकी मनाही नहीं। केंद्रीय एजेंसियां और कहीं किसी राज्य में उनके लिए अब कोई काम ही नहीं बचा। अब फिर नया एक वेंचर शुरू हुआ है, बिहार एक्सप्लोर बिहार। बंगाल चला, झारखंड चला, लेकिन इससे कोई फर्क हम लोगों को पड़ने वाला नहीं। हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय अमित शाह जी वस्तु स्थिति से अवगत हो, पांचों प्रमंडल का एक एक बार बैठक कर ले, सारी स्थितियां आज की साफ हो जाएंगी। हम लोगों को मालूम है हकीकत क्या था खूंटी लोकसभा का, लोहरदगा लोकसभा का। दुमका में क्या प्रपंच किया गया, ये सारी चीजें हम लोगों को मालूम है और यही घबराहट उनके अंदर है। मुझे लगता है कि 2022 अब लगभग 36-40 घंटों में बीत जाएगा और 2023, मैंने पहले भी कहा था कि इस राज्य के लिए नई चुनौतियों के सामना करने के लिए आ रहा है और मैं अपने राजनीतिक विरोधियों को इस बात का एहसास करवा देना चाहता हूं कि विगत 50 वर्ष 1972 से 2022 जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का संघर्ष रहा, आप लोगों ने देखा है कि एक से बढ़कर एक हमारे लिए चुनौतियां पेश की गई, हमले हुए, हम उतने ही प्रखरता के साथ आगे आए, हम उतने ही मजबूती से उसका मुकाबला किया, चाहे वो गुरुजी के साथ हुआ हो या पार्टी के अन्य नेताओं के साथ। इसलिए 2023 राजनीतिक तौर पे हम लोगों के लिए संकल्प का वर्ष होगा कि 2024 झारखंड से भारतीय जनता पार्टी का मुक्ति का वर्ष बने, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।